पिताश्री कंस्ट्रक्शन लाए हैं खुशियों की सौगात। जी हाँ, अब बनाएं अपने सपनों का घर पिताश्री कंस्ट्रक्शन के साथ बेहतर गुणवत्ता और उचित दामों पर। आज ही संपर्क करें 7415985877। प्रदेश में पुलिस सड़क से लेकर थाने तक बदनाम है और बदनामी का आलम यह है कि अब पुलिस खुद ही महिलाओं पर अत्याचार और सितम ढाने पर आमादा हो गई है। जी हां, ऐसी ही एक तस्वीर प्रदेश के उज्जैन में देखने को मिली। यहां पर एक सब इंस्पेक्टर पर ही रेप का मामला दर्ज हुआ। खास बात यह है कि जिस थाने में कभी यह सब इंस्पेक्टर रहकर रौब झाड़ा करते थे उसी थाने में उनके खिलाफ बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। बीती रात एक महिला ने SI विकास देवड़ा के खिलाफ रेप, जान से मारने की धमकी और संपत्ति हड़पने की साजिश रचने का केस दर्ज कराया है। थाने में बीती रात जमकर हंगामा भी हुआ और मामला दर्ज होने पर SI महोदय महिला से माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन महिला ने एक ना सुनी और SI पर रेप सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला चिमनगंज मंडी थाने से जुड़ा है। इस पूरे मामले में ASP आकाश भूरिया ने फिलहाल सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि इंदौर की रहने वाली महिला बीती रात अपने पति के साथ चिमनगंज मंडी थाने पहुंची। यहां उसने लाइन में पदस्थ SI विकास देवड़ा पर आरोप लगाए। SI विकास पहले चिमनगंज मंडी थाने में पदस्थ था, एक महीने पहले ही उसे लाइन अटैच किया गया है। महिला ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले उज्जैन के राज रेसिडेंसी के फ्लैट नंबर 14 में उसके साथ SI ने मारपीट की, जिसके बाद उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसके साथ ही महिला ने SI पर आरोप लगाया कि उसने बीते कई महीनों से उसका शारीरिक शोषण किया और उसके साथ बलात्कार किया, साथ ही उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि SI विकास देवड़ा शादीशुदा है। महिला का कहना है कि पति से विवाद होने के बाद वह अलग रहने लगी थी। इसी दौरान SI विकास देवड़ा ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। महिला ने यह आरोप भी लगाए कि दोस्ती बढ़ने पर SI ने झांसी में लेकर उसके साथ बरमाला डालने की फोटो ली, इसके बाद सर्विस रिवॉल्वर की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। महिला का यह भी कहना है कि SI विकास देवड़ा उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। बीती रात जब महिला थाने पहुंची तो पीछे से SI विकास देवड़ा भी थाने पहुंच गए। थाने में जमकर हंगामा हुआ। SI ने महिला से माफी भी मांगी, हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन महिला के सामने SI की एक ना चली कि उज्जैन के ये चिमनगंज थाने में पहले ये जो जिनकी मैं यहाँ पर शिकायत लेकर आई हूँ पहले यहीं पर ही थाने पर ही थे एज अ टू SI, और इनका नाम है विकास सिंह देवड़ा। इन्होंने अपनी मतलब मुझे झांसा देकर अपनी प्यार मोहब्बत में इस कदर पागल करा है, उसके बाद मतलब मेरा इतना मतलब कम से कम 10 लाख का नुकसान कर दिया पैसे से हर चीज़ से, और आज इतना मार रहे हैं मुझे। पहले उन्होंने हर चीज़ मतलब ये सब करने के बाद और आज जब मैं उनसे कोई चीज़ क्योंकि मेरे अलावा भी वो और लड़कियों के साथ भी ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं, जब पता चलने लगी कि वो ये हरकतें करते हैं, जब उसका विरोध करना चालू किया तो आज वो मारपीट करने पे चालू हो गए। घर पे रात को 1 बजे शराब पी कर आते हैं, कभी 12 बजे पी के आते हैं और इतना मारते हैं, बहुत बेरहमी से मारते हैं, अश्लील गालियों का इस्तेमाल। फिलहाल इस पूरे मामले में आला अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए SI विकास देवड़ा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, साथ ही मामले की जाँच की जा रही है। उनके द्वारा उज्जैन जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा के द्वारा उनका शोषण किया गया और उनको अपने किराए के मकान में रख के उनके साथ मारपीट की गई है। रिपोर्ट मिलने पर उसने अपराध दर्ज किया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या पाया गया, क्या इस पर शिकायत की गई? उसने बताया कि उन्होंने उसको अपने साथ में रखा, पत्नी बना के रखा, उसका शोषण किया है और मारपीट की है। आगे जो वैधानिक कार्रवाई की जाती है अपराध अनुसंधान में वो सभी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।